वीडियो में डिस्कस करेंगे बायर के एंट्राकोल फंगिसाइड के बारे में, क्योंकि बारिश का समय है या फिर बिना बारिश भी हम जब बार बार हमारी फसलों में फंगिसाइड को यूज करते हैं तो हमें सेम फंगिसाइड यूज नहीं करना चाहिए, बार बार चेंज करते रहना चाहिए। कभी हम मैनकोजेब यूज कर सकते हैं इंडोफिल का, या कभी ब्लाइटोक्स यूज कर सकते हैं, कभी धानुकोप यूज कर सकते हैं, कभी एंट्राकोल, बहुत ना जाने कितने तरीके के फंगिसाइड आते हैं, तो हमें बार बार चेंज करते रहना चाहिए। उससे क्या है, हम डोज अगर कम भी यूज करते हैं तो भी हमारे फसलों में अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर एक ही एक फंगिसाइड यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ बायर का एंट्राकोल का यूज करें या एलियट का यूज करें, हमें बार बार चेंज करते रहना चाहिए। तो इसी सीरीज में दोस्तों आज मैं लेकर के आई हूँ बायर के एंट्राकोल फंगिसाइड। इसके अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें आता है प्रोपिनेब 70% WP फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्मुलेशन में आता है, यह है एक कॉन्टेक्ट फंगिसाइड है। इसकी प्राइस की बात करें तो दोस्तों यह 500 ग्राम के पैकेट की MRP है 430 रुपये, और 1 KG के पैकेट लगभग आपको अवेलेबल हो जाएगा 700 रुपये में। फसलों की बात करें तो दोस्तों सभी सब्जी वर्गीय फसलें जैसे कि गोभी, मिर्च, आलू, बैंगन, प्याज, साथ ही हमारी सभी बागवानी की फसलें सेब, अनार, अंगूर, और साथ ही दोस्तों गेहूं, चना, धान, कपास, यानी लगभग हमारी सभी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। डिजीज की बात करें तो यह बहुत सारे डिजीज को एक साथ में कंट्रोल करता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट, लीफ स्पॉट, फ्रूट स्पॉट, डाई बैक, एप्पल स्कैब आदि बहुत सारे डिजीज को एक साथ में कंट्रोल करता है। डोज की बात करें तो दोस्तों 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको घोल तैयार करना है और फिर अपने फसलों में स्प्रे करना है। और 1 एकड़ के लिए डोज है 200 लीटर पानी में 400 ग्राम आप घोल करके और फिर अपने फसलों में स्प्रे करें। ड्यूरेशन की बात करें कितने लंबे समय तक आपकी फसलों में असर रहेगा इसका, तो 15 दिन तक लगभग आपकी फसलों में असर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।